मेरे पाकिस्तानियों, इस वक्त मेरे घर के इर्द गिर्द जो इंटरनेट है वो काट दिया गया है, तो मैं ये अब उम्मीद रखता हूं कि आपके पास ये जो आज मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं ये आप तक पहुंच जाए। मकसद इसका सिर्फ ये है कि आजकल मीडिया मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया गया और एक ही जो हमारे पास रास्ता है सोशल मीडिया, उसको कंट्रोल करने के लिए मेरे घर सारा इंटरनेट काट दिया ताकि मैं किसी भी तरह आप तक अपना पैगाम ना पहुंचा सकूं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी बातचीत पहुंचाए। देखिए, सबसे पहले मैंने जिस तरह की बर्बरियत, बल्कि मैं इसको कहूंगा यजीदियत, जो आजकल यजीद का आजकल के यजीद जिस तरह की जुल्म तरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर किया जा रहा है, पता नहीं मुझे लोग कहते थे कि शायद जियाउल हक के जमाने में पीपल्स पार्टी के लोगों से ऐसा जुल्म हुआ और थोड़े से लोगों से, इतने लोगों से तो कभी हुआ ही नहीं है जुल्म। इस वक्त 10,000 से ज्यादा हमारे कारकुनों को जेलों में डाला हुआ है और मैं आपको यह बता दूं कि इतनी मुश्किल हालात हैं आज, आपने गर्मी देखी है, गर्मी की इंतहा है आज, छोटे छोटे पिंजरों में उनको बंद किया हुआ है, खाना उनको सही नहीं मिल रहा, पानी वो तरसते हैं, वहां वकीलों को मिलने नहीं देते, कई जगह हमारे वकील ही नहीं वहां पहुंच सकते, और उनको जिस तरह यानी कि कोई गैर मुल्क दुश्मन है उस तरह रखा हुआ है, बल्कि गैर मुल्क दुश्मन भी प्रिजनर्स ऑफ वॉर के भी हकूक होते हैं, यहां तो सिर्फ इनको एक कि फायदा उठाते हुए जो कोर कमांडर का घर जलाया गया उसका फायदा उठाते हुए पहले से प्लान बना हुआ था। और मेरा जिस वक्त भी, ये मैं आपको बता दूं, जिस वक्त भी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी ये साबित हो जाएगा कि ये प्री प्लान था सब कुछ। सो इसलिए उसके फायदा उठाते हुए एक ऐसा क्रैकडाउन है जो मैंने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा। सिर्फ यही नहीं कि पीपल्स, सिर्फ तरीके इंसाफ के कारकुनों को अंदर डाला है, सपोर्टर्स को, सोशल मीडिया के लोग जो अपने तौर पर पार्टी में भी नहीं, जो पीटीआई के लिए कुछ ट्वीट करते थे उनको भी अंदर डाल दिया है, सारी लीडरशिप अंदर डाली हुई है। और निकलने का सिर्फ एक तरीका है कि एक वो जादू के लफ्ज कह दो, वो जिस तरह होता था ना खुल जा सम, आप जादू का लफ्ज कह दें कि जी मैं तरीके इंसाफ में नहीं हूं तो आप रिहा हो सकते हैं। यानी ये मजाक हो रहा है हमारे मुल्क के साथ। किसी भी दौर के अंदर मैंने ये नहीं देखा कि सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर, अगर आप नहीं कहते कि मैं तरीके इंसाफ में मैं हूं तो आपके ऊपर जुल्म होंगे, तशद्दुद होगा, आपको इस जगह इस तरह की गर्मी के अंदर आपको दड़बों में बंद कर देंगे। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि मैं तरीके इंसाफ छोड़ रहा हूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे।